फिर तेरी हड्डियां चीरता और पार हो जाएगा। तुम लोगों की जाति गंदी है, तुम लोगों को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तुम लोगों को तो मार कर तुम्हारी मां बहनों को बेच देना चाहिए।
मैं तो बच गया, पर उनका क्या, जिनकी माएं अभी तक अपने बेटों की लाशें देख देख रो रही है। मैं तो बच गया, पर उनका क्या, जिनके तन सर से जुदा कर दिए गए। मैं तो बच गया, पर उन मासूमों का क्या, जिनको फख्र जबान की बुनियाद पर बेदर्दी से मार दिया गया। मैं तो बच गया, पर क्या ये जमीन हमें माफ करेगी, जहाँ हमारे मुसलमान भाई और इंसानियत की बेहरमती की गई। मैं तो बच गया, पर खुदा के वास्ते हमको रंगों, नस्ल, जात और कौमियत के नाम पर मारना बंद करो। हम भी इस कौम के बेटे हैं, हम भी जीने का हक रखते हैं। हमें जीने दो, हमें जीने दो, खुदा के वास्ते हमें जीने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और रमज़ान के बाद भी ये कत्लेआम का सिलसिला अभी तक नहीं थमाया, और जैसा कि ईद के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ईद के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका है। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ सिर्फ KBS चैनल पर। आइए हम आपको, और प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले ये फुटेज ना देखें, प्लीज़ प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आइए देखें। ओह शिट मैन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाश, और इस वक्त ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे। फॉर निकालना यार,